नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। आज झांसी रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर लिफ्ट एवं फुट ओवर ब्रिज का रैंप का लोकार्पण सांसद झांसी ललितपुर अनुराग शर्मा के करकमलों द्वारा विधायक रवि शर्मा तथा मंडल रेल प्रबंधक संदीप माथुर की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर झांसी स्टेशन पर सांसद द्वारा फीता काटकर लिफ्ट एवं फुट ओवर ब्रिज का रैंप यात्रियों को लोकार्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक ने झांसी मंडल से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही सांसद अनुराग शर्मा को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। माथुर ने अपने संबोधन में झांसी क्षेत्र की जनता को ग्वालियर रोड स्थित संपार फाटक संख्या 117 के स्थान पर उपलब्ध होने वाली नए ROB के बारे में भी अवगत कराया, जिससे सड़क उपयोगकर्ताओं को जाम से निजात मिल सकेगी। सांसद अनुराग शर्मा ने अपने संबोधन में रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को सराहा। उन्होंने हर्ष के साथ अवगत कराया कि झांसी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर आने जाने हेतु उपलब्ध सुविधाएँ देश के अन्य बड़े स्टेशनों से भी ज़्यादा हैं, जो कि बेहद सराहनीय हैं। आपको बता दें कि झांसी नगर की विकास गाथा में भारतीय रेल का महत्वपूर्ण योगदान है। झांसी में रेल आगमन के लगभग 140 वर्षों के इतिहास में भारतीय रेल ने इस शहर को संपूर्ण राष्ट्र और बड़े शहरों के माध्यम से संपूर्ण विश्व से जोड़ने का कार्य किया है। इस स्टेशन का विकास और इसको अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाकर अपने यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय रेल सदैव तत्पर है। इसी क्रम में झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर 22 लाख रुपए की लागत से लगाई गई लिफ्ट, जिसकी क्षमता 15 व्यक्ति या 1020 किलोग्राम वजन है, रेलवे द्वारा यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा नव स्थापित FOB पर रैंप 1,99,00,000 की लागत से निर्मित रैंप से स्टेशन आने वाले दिव्यांग, वृद्ध एवं अशक्त यात्रियों सहित अन्य यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 व 5 पर भी शीघ्र ही लिफ्ट का संस्थापन कार्य शुरू होगा, जिसके फलस्वरूप झांसी स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म लिफ्ट युक्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने हेतु झांसी स्टेशन दिल्ली छोर पर एक नया फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। उक्त सभी संस्थापन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर झांसी स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म आपस में लिफ्ट, एस्केलेटर, रैंप जैसी महत्वपूर्ण अत्याधुनिक सुविधाओं के माध्यम से जुड़ जाएंगे। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक इन्फ्रा अमित सेंगर, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नवीन दीक्षित सहित ZRUCC, DRUCC सदस्य, अन्य अधिकारीगण और कर्मचारी इत्यादि उपस्थित रहे। समारोह का संचालन नवीन दीक्षित वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा किया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ नीरज प्रजापति की रिपोर्ट। मॉडल स्टेशन की दिशा में एक नया कदम, ये भारत सरकार की परिकल्पना है कि झांसी बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण जंक्शन है, इसको हम मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करेंगे। इसके लिए आज एक फुट ओवर ब्रिज और एक लिफ्ट का आज लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। हमारे माननीय सांसद DRM साहब को विशेष रूप से हमें झांसी जहाँ एक रेल सुविधाएँ बढ़ाएगा, वहीं दूसरी ओर लोगों को झांसी का स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन प्रतीत हो, ऐसी कल्पना जो भारत सरकार ने की है वो आज साकार होने की तरफ एक मजबूत कदम। फुट ओवर ब्रिज FOB कहते हैं, वो बन रहा है और एस्केलेटर भी लगेंगे और एलिवेटर भी लगेगा, उसका लोकार्पण करा जा रहा है आज अपने झांसी में, क्योंकि जो सबसे पुराना वाला फुट ओवर ब्रिज था वो बहुत पुराना हो गया, आप लोगों ने देखा होगा, उसको आजकल रोक रखा था, उसे लोगों का आना जाना बंद है, तो उसके लिए नया बनाने का आज
अभी यहाँ हम इसके बाद हम लोग फिजिकली वहाँ पे रिबन कटिंग करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर